सब गाइस वेलकम टू टेक इट विद भावना और आज मेरे पास है ओप्पो का F7। जैसे आपको पता ही होगा जो ओप्पो का F सीरीज है वो फोकस्ड है सेल्फी कैमरा के ऊपर, तो लाइक वाइज इसमें भी उन्होंने फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा पे फोकस करा हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 मेगापिक्सल। ये कम्पीट कर रहा है वीवो V9 जिसका सेल्फी कैमरा है अबाउट 24 मेगापिक्सल। तो हमारे पास है एज यू कैन सी रेड कलर हेयर और इसको प्राइस करा गया है 22,990 में। तो लेट्स जस्ट ओपन इट। वी व्हाई डोंट यू कम जॉइन मी। तो इसको हम ओपन करते हैं। लेट्स जस्ट ओपन दिस। या से हाय। ओके, काफी लाइटर साइड पे है, ज्यादा हैवी नहीं है बट प्रीटी कंफर्टेबल टू होल्ड। मुझे ज्यादा लाइट फोन पसंद नहीं है पर इट्स ओके, इट्स अ डिसेंट टू होल्ड। और बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, लाइट है और लग रहा है काफी अच्छे मटेरियल यूज किए हैं। प्रीमियम है पर जस्ट लुक से प्रीमियम है, बट मस्ट रिमेम्बर ग्लॉस तो आ रहा है लेकिन ये है प्लास्टिक बॉडी, सो डू रिमेम्बर दैट। सो वी विल कम टू इट इन अ व्हाइल। लेट्स ओपन बिकॉज इट्स अनबॉक्सिंग, सो वी गोना ओपन द बॉक्स। बॉक्स में आपको क्या क्या मिल रहा है? आपको मिलता है एक ट्रांसपेरेंट कवर, बट स्टिल डोंट ड्रॉप योर फोन, इट लुक्स प्रीटी डेलिकेट। और आपको मिल रहा है व्हाइट में चार्जिंग ब्रिक प्लस समथिंग अनयूजुअल व्हिच आई हैवंट सीन फॉर सम टाइम। आपको इसके साथ मिल रहे हैं ईयर प्लग्स और देखने में भी काफी प्रिटी है ये ईयर प्लग्स, एप्पल वाला लुक है इनका तो। एंड देन यू हैव ऑफ कोर्स क्विक गाइड हियर एंड यू हैव सेफ्टी मैनुअल, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैनुअल, डू रीड इट। जब भी आप फोन खरीदते हैं प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड सेफ्टी मैनुअल फॉर श्योर। लाइक वीर सेट काफी प्रीमियम लुक है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है ये फोन। इट कम्स विद 6.23 इंच स्क्रीन। इसका विड्थ ज्यादा नहीं है तो इट्स वेरी कम्फर्टेबल टू होल्ड इन वन हैंड एंड टाइप ऑल्सो वन हैंड टाइपिंग के लिए काफी कम्फर्टेबल है। यू कैन ट्राई एंड सी फॉर योर सेल्फ। एक पॉइंट मैं बनाना चाहता हूँ कि बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं नॉच वाला डिजाइन कॉपी करने के लिए आईफोन की तरह, और ओप्पो ने बहुत अच्छी तरीके से इसको आकर्षक बनाते हुए काफी अच्छा फोन बनाया है। प्रीमियम लग रहा है और सामने से स्क्रीन भी एंड टू एंड काफी पता पड़ रहा है। या आपको ये फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ मिलता है जो मैंने ऑलरेडी सेटअप करा हुआ है, सो लेट्स सी। काफी फास्ट है, देखें extremely fast and it comes with face recognition as well jo bhi humne set up kara hua hai, so let's try that too. fast one more times. okay, what's stuck or what? To kuch cheeze hai iske bare mein batana chahta hu. isme 3400 mAh battery hai jo kafi competitive hai. baat kiya jaye ki competitors se bhi to vivo v9 jo is price range mein aata hai उससे भी 200-300 mAh ज़्यादा है। I spoke to a friend जो जिन्होंने ये use करा है, he said काफी ज़्यादा heavy usage के बाद भी ये 2 days तक last करा है इसका battery। And apart from that, the model that we've got has 64 GB internal memory. I think that's very good, Bhawna. That's because yeah. Every iPhone that we use, usually people take a 32 GB variant, but at 20,000, if you're getting 64 GB, इसमें आप photos, videos, काफी कुछ। जितना मर्जी save करना चाहते हैं save करें, और उसको आप expand कर सकते हैं 256 GB by using a micro SD card. और ये आता है 4 GB RAM के साथ. So something that the company has been focusing a lot on, it's selfie camera. Let us again talk about it. इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल है और जो रियर कैमरा है वो आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल। अगेन मोर देन दैट द कंपनी सेइंग इसमें ब्यूटी मोड में दे हैव यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो ऑल योर पिक्चर्स आर गोना लुक रियली नाइस। ऑल यू कैन यू नो यू कैन गो आउट क्लिक लॉट ऑफ सेल्फीज पुट यूज दैट एआई जो यू नो फेस के हिसाब से देख के वो यूज करेगा ब्यूटी मोड को, आपका एज भी कम कर सकता है। आई विल ट्राई एंड लुक 10 years यंगर इन द इन ऑल माई पिक्चर्स। तो हम बहुत सारी सेल्फीज खींचेंगे और आपको दिखाएंगे इफ इट इज अ सेल्फी एक्सपोर्ट किलर और नॉट। काफी अच्छी पिक्चर्स आई है, आई लाइक दिस स्पेशली
नॉट ओनली सेल्फीज बट रियर कैमरा से भी जो हमने पिक्चर खींची है काफी अच्छी आ रही है. बस एक चीज मुझे आपको बताना था कि बाकी फोन की तरह जो इस प्राइस रेंज में यूजुअली होते हैं, यूजुअली कभी कभी ज्यादा होते हैं प्राइस रेंज में, बट एक फीचर है इमेज स्टेबलाइजेशन. अब हमें कमरे में बैठे तो हमें पता नहीं लगेगा, पर अगर आप एक हिलती हुई गाड़ी या स्पोर्ट्स के मैदान में अगर आप फोटो लेंगे तो बहुत लोग हिलते हैं, और उसको कैप्चर करने के लिए बहुत फोन में इमेज स्टेबलाइजेशन है जो इस फोन में नहीं है. तो वो आई थिंक भावना एक ड्रॉबैक है इस फोन का. या बिकॉज स्पेशली अगर आप इसको एक कैमरा फोन की तरह बेच रहे हैं, नॉट ओनली अ फोन बट स्पेशली सेल्फी और कैमरा फोन, तो आई थिंक यू गॉट टू हैव ऑल दोस फीचर्स एट लीस्ट. एब्सोल्युटली. वन फीचर जो मुझे बहुत ही पसंद आया इज अबाउट ड्राइंग ऑन योर पिक्चर. आप डूडल अपनी पिक्चर में बना सकते हैं. अब आपको स्नैपचैट में जाने की या कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पिक्चर में यहीं पे डूडल ड्रॉ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं. तो विच इज़ प्रीटी कूल. लाइक आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, आप लोग हैं बिजी लोग, तो आपको हमेशा करना है मल्टीटास्किंग. तो ये फ़ोन आपको वो ऑप्शन देता है मल्टीटास्किंग का. Let's just see how to do it. I'll tell you how to do it. जैसे हम एक वीडियो प्ले करते हैं, ये वीर मेरी तारीफ कर रहे हैं मेरी चैनल की. आपको थ्री फिंगर जेस्चर से इसको पुल अप करा और लेट्स ओपन अप फोटोज बिकॉज वी वॉन्ट टू चेक हाउ गुड एम आई लुकिंग. यू कैन डू बोथ ऑफ दिस थिंग्स ऑन वन स्क्रीन, हाउज दैट. बट ओनली वन प्रॉब्लम हियर, आप देख सकते हैं इतनी सी देर टच करने में कितना सारा स्मजीज आ चुके हैं इसमें, यहाँ पे भी और अनफॉर्चुनेटली फ्रंट में भी काफ़ी सारे स्मजीज हैं. ऑल्सो ये बहुत ही रिफ्लेक्टिव स्क्रीन है, तो मेरे ख्याल से बाहर जब आपको यूज़ करेंगे इसको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. हमेशा अपने साथ टिश्यूज लेके घूमें जिससे आप कंटिन्यूसली इसको क्लीन कर सकते हैं. So, भावना, what's the final verdict? I say totally dig it. All right. Keep watching. Bye bye guys.